इंग्लिश बोलना आसान हो सकता है लेकिन सही से बोलना एक चुनौती है लोग आपकी वोकैबलरी और ग्रामर चेक करने से पहले आपकी प्रोनन्सिएशन चेक करते हैं क्या आपकी भी प्रोनउंसिएशन मजाक का कारण बनती है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिससे आप प्रोनन्सिएशन को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर सकते हो घर बैठे और अकेले दिस इज योर वॉइस बॉक्स वोकल कॉर्ड It manages the amount of the air. So first of all, you gotta train this, and for training this, you could go through this exercise. You have to say with me, ah, uh, so it will be more clear. Or you can say, or you can call,

भाई कुछ भी बोलने में ना आपके लिप्स का भी बहुत हाथ होता है उसको तो कभी नहीं कहते कुछ हाँ ये आज आपको सिखाता कि किस तरीके से आप अपने लिप्स को ट्रेन कर सकते हो अगर आप अपने लिप्स को ट्रेन करना चाहते हो चाहते हो कि आपके लिप बहुत तेज़ से मूव करें ताकि आप कोई भी साउंड आसानी से प्रोड्यूस कर पाएँ आपने कभी भी नेटिव स्पीकर्स को सुना होगा तो वो अपना माउथ ना ज़्यादा खोलते नहीं है वो हल्की माउथ ओपन करके बोल देते हैं क्योंकि उनका लिप बहुत तेज़ से रोटेट कर रहा होता है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल अल खेल राइट फॉर यू you understand yourself, सेल्फ दे open this ओपन दिस मच इसको ज्यादा नहीं खोलते तब भी कर लेते हैं अगर आप इस चीज को ट्रेन करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं लिप फ्लैटो एक्सरसाइज का लिप फ्लैटो एक्सरसाइज ये ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी लिप्स को बहुत तेजी से मूव करवा सकते हैं आपको करना क्या है आपको अपने बचपन की यादें फिर से दोहरानी हैं बचपन में हम लोग गाड़ियाँ चलाते थे राइट वी यूज टू यूनो राइड द बाइक विद आवर माउथ जैसे काफी तरीका है, लेकिन आपके लिप्स के अंदर ना एक मोमेंट से आ जाएगी तो आप इसको म्यूजिक के साथ बिना म्यूजिक के साथ बिना आवाज के साथ भी कर सकते हो जैसे आप चाहे तो म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं पिक्चेंस कर सकते हैं जैसे चाहे तो आप इस पर कोई गाना भी गा सकते हो जैसे right. तो काफी फनी तरीका है भाई इतनी देर में मेरे लिप्स को ऐसा लग रहा है कि भाई तो अंदर कुछ हो रहा है राइट इट्स ऑटोमेटिकली मूविंग पेन प्रैक्टिस भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने लिप्स को इधर उधर दाएं बाएं नीचे ऊपर सब जगह पे मूव करा सकते हो आपकी जो लिप्स है ना बहुत तेज़ी से मूव होने लग जाएगी जैसे कि नेटिव स्पीकर्स की होती है तो आपको करना क्या है एक सैनिटाइज पेन लेना है उसके बाद से आप अपने जुबान के आपके दांतों के बीच में रखना है ऐसे हाँ एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग एनी फॉर एग्जाम्पल Hello everybody. Today I am teaching you the techniques to improve your English pronunciation. If you want to improve your English pronunciation so you could do pen practice and you can speak English very clearly. Now take the pen off and speak. If you want to improve your English language, so you can follow pen practice and improve your English pronunciation. आप अपने pen practice के साथ कोई भी book पढ़ो कोई भी newspaper पढ़ो कोई भी magazine पढ़ो बस उसको पढ़ो तेजी तेजी से बोलने की कोशिश करो इससे आपके lips बहुत अच्छे से move कर पाएंगी और आप बिना pen के भी बहुत easily बोल पाएंगे we were songs, you improve not only your english pronunciation but also your intonation rhythm contraction elision and many more things let me tell you here i have written two songs on the board the part of the song by the way so let me love you this is a very popular song right so i have this part don't you give up na 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 i won't give up na 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 let me love you when you sing this song so you also learn

up na 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 कैसे give up na 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 I ना give up ये वोंट नहीं पढ़ देंगे टको रिमूव कर देंगे यहाँ पे रिडक्शन हो गया आप पढ़ेंगे आवोगे na na डुजगे वब नाना आवोगे व अब देखो यहाँ let me को कॉन्ट्रैक्ट करके लेमी बना दिया गया लेमी अब लम्मी हो गया कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पर रिडक्शन हुआ यहाँ पर एसिमिलेशन हुआ तो गाने सुनने से हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं राइट वी अंडरस्टैंड लॉर ऑफ थिंग्स डोंट यू गिव अप ना 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 अमो गिव अप ना 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 यू लेट मी लव यू एक बार फिर से करते हैं डोंट यू गिव अप ना 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 मी लव यू लेट मी लव यू चलिए दूसरा सॉन्ग देखते हैं ये भी बहुत पॉपुलर सॉन्ग का एक पार्ट लिखा है मैंने लेट मी डाउन लेट मी डाउन स्लोली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंस्टाग्राम पर आपके टिकटॉक पर आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पर बहुत ज़्यादा वायरल सॉन्ग है ये लेट मी डाउन स्लोली तो देखो यहाँ पर कुड यू फाइंड अ वे टू लेट मी डाउन स्लोली अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो कुड यू फाइंड लेट मी डाउन स्लोली जैसे बोलने वाले लेकिन आप जब एग्जैक्ट गाने को सुनेंगे ना तो उसकी एग्जैक्ट प्रोनउंशियशन सीख पाएंगे जैसे कुड यू फाइंड अ Could you find a way to let me down slowly? ये कैसे बना देखो यहाँ पर डी एंड वाई साथ में आया तो ऐसे में लेट होकर ये ज साउंड देते हैं तो या खुज खुज फाइन ये फाइंड अ मिलाकर फाइना ये डी यहाँ पर कंट्रैक्टेड हो जाता है मतलब एलिटेड हो जाता है हट जाता है तो फाइना हो जाएगा या खुज फाइना वेरू यहाँ पर देखो टी जब भी दो वॉल बीच में आता है तो ये ड हो जाती है साउंड ठीक है वाई सेमी वॉल होता है और टी ओ आपका यू नो वॉल साउंड होती है तो यहाँ पर टी बीच में आया तो इसलिए ड साउंड देगा ab ye way do could you find a way to could you find a way to let me down slowly could you find a way to let me down slowly a little sympathy, I hope you can see so me If you wanna go if you wanna go, want to becomes wanna contraction If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving baby See Leaving leaving, leaving, reduction If you're leaving baby, let me down slowly Let's Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can see so me If If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down, slowly. Let Let me 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 down down, let me down. down slowly. like this. सुनो गानों को गाओ और अपनी इंग्लिश प्रोनाशिएशन को इम्प्रूव करो थैंक यू वेरी मच लेट्स लॉन्ग वर्ड टेक्निक लंबे शब्दों वाली टेक्निक आखिर ये क्या है आपको कुछ नहीं करना है बस ऐसे लंबे लंबे शब्द लेने हैं और पढ़ने शुरू कर देने क्या हुआ बहुत ज्यादा लंबे हैं क्या कोई दिक्कत नहीं है लेट मी हेल्प यू देखो पहला वर्ड लिखा हुआ है निमोनो 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 क्या बोलेंगे निमोनो अल्ट्रा माइक्रो स्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस pneumo-ultramicroscopic silico-volcano-coniosis again pneumono-ultramicroscopic silico-volcano-coniosis pneumono-ultramicroscopic silico-volcano-coniosis first of all pneumono silico volcano right let's go to the next one fluxy Nasi. फ्लक्शी नाक्सी ने फ्लॉक्शी नासी ने्लॉक्शी नासी ने फ्लॉक्सी नासी ने इसका मतलब होता है बहुत ही बेकार किसी इंसान को बोलना है ना यार तुम्हारी तुम्हारा परफॉर्मेंस ना बहुत बेकार था यार योर परफॉर्मेंस वॉज फ्लॉक्सी नासी नेफिकेशन राइट चलो ने थर्ड वन हिप फॉर्मन स्ट्रॉसिसोफोबिया इसका मतलब होता है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स अगर आप ऐसे लंबे लंबे शब्दों को देखकर डर जाते हो ना तो ये फियर है ये डर है इसी डर को बोलते हैं हिप्पार्मन स्ट्रॉसिस खुपडलोफोबिया इसको कैसे पढ़ोगे देखो आप हिपो यहाँ तक हिपो फिर हिपो फॉटमन तो यहाँ से हिपोफॉटमन स्ट्रॉसिस हिपोफारमन स्ट्रॉसिस खी हिपो Q. Hippopotamus trusses. Q. P. Daliophobia. Hippopotamus trusses. Cupidilophobia. Hippopotamus trusses. Cupidilophobia. Hippopotamus trusses. Cupidilophobia. As a musty musty karke practice curro, right? It's Don't take it as very serious. Oh my god. I am practicing the long word. Oh my god. Where is this? Kabhi bhi aise fun banao isko masti banao mazak mein sikho right hippopotomon strossus cupidillophobia hippopotomon strosis cupidillophobia that's it the fourth one supercalifragilisticexpialidosis. Supercalifragilisticexpialidosis. supercalifragilisticexpialidocious supercalifragilisticexpialidocious to kaise padhoge isko aap super califragilistic Super califragilistic Super Your performance was super califragilistic This video is super califragilistic expialidocious. Right on. agar सच में ये super califragilistic expialidocious लग the comment section right? Next Next uh, step. You know. Next word. Pseudo pseudo hypo. Parathyroidism or dism. pseudo hyperparathyroidism. Pseudo pseudo hypoparathyroidism. Casiparing his cob pseudo pseudo right? Rightism. Pseudo pseudo hypoparathyroidism. Pseudo pseudo hyperparathyroidism. Pseudo pseudo hyperparathyroidism. Right? Understood? In the sixth one. Anti-disestablishmentarianism. Anti-disestablishmentarianism. How to read this? आपको anti-disestablishment and then Anti-disestablishmentarianism. Anti-disestablishmentarianism. I think you enjoyed this part. Tongue twisters. यानी yani कि wo words, phrases, sentences जो जिनको बोलना काफी डिफिकल्ट होता है लेकिन अगर आप इसको कई बार बोलते हो ना तो आपकी इंग्लिश प्रोनाशिएशन इंप्रूव हो जाएगी लेट मी शो यू हेयर आई हैव फाइव वेरी पॉपुलर टंग ट्विस्टर्स सो लेट मी शो यू वन वन। वन। नंबर हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड लेट्स रीड इट फैस्टर Now it's your turn. Come on, do it up. Let's see the second one. A happy hippo hopped and hiccuped. A happy hippo hopped and hiccuped. A happy hippo hopped and hiccuped. Right? Now practice it again and again. And third one. She sees cheese. See, cheese, sees, cheese. She sees cheese. It's really difficult, right? Don't understand. It's very simple. Here you can see this shuh. And here, this shuh. Shuh, suh. Sure, sir. So she sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. Understood? Let's see the fourth one. I saw sushi. Here the sir. Here the sir. Ha, I saw sushi. And again the sir. I saw sushi sitting in a. Now this sure. Sure. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Now it's your turn. Okay, let me show you the fifth one here. She sells sea shells by the sea shore. It's really difficult, you know, because here the sh, again the sh, then this sh, then this sh, and again the sh. Right here again the Sure, right? And this is the sure. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. Right? Sure, sir. Sure, sh sir. She sells sea shells by the sea shore. Sea shells. She sails by the seashore. She sells, she sells by the seashore. Now you do it again and again, and you will get the clarity in your voice. Minimal pairs. You know this technique is not I have this story? If you're student, sir, how can I live my life properly? I said, why do you want to live your life? Then he said, Sir, should I not leave? I said, you should not leave. You should live your life. Then he said, yes, 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 I was asking the same. भाई जब आप सेम पूछ रहे हो तो अलग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हो देख अगर आप एक छोटी छोटी गलतियों को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए इस टेक्निक के साथ मिनिमल फेयर्स मिनिमल फेयर्स का मतलब होता है ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर बस एक साउंड का डिफरेंस आता है जैसे मैं बोलूँ सी ए पी क्या पढ़ोगे इसको खैप बहुत बढ़िया सी ए सी ओ पी क्या पढ़ोगे खॉप इन दोनों वर्ड्स में देखो ये पेयर है ना खैप खॉप दोनों में ख और ख सेम है लेकिन ए और ओ अलग साउंड आ रही है ठीक है तो खैप खॉप मिनिमल पेयर होगा तो ऐसे ही अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स के पेयर्स को समझ पाए ना तो आप अच्छी प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे जैसे मैंने बोला था अभी लिव और लीव ठीक है लड़के ने क्या बोल दिया था सर आई वॉन्ट टू लीव माई लाइफ मैं अपने जीवन को छोड़ना चाहता हूँ छोड़ना नहीं आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ तो इसमें ई साउंड है और इस वाले में ई साउंड है लीव लिव लीव, लीव अंडरस्टूड ऐसे करके बहुत से मिनिमल पेयर्स हो सकते हैं जैसे मैं इधर और बना दूँ खैप खोप सी यू पी क्या पढ़ोगे खप इधर आ रही है साउंड अ खप अगर मैं बोल दूँ सी ओ पी ई क्या पढ़ोगे इसको खोप खोप तो क्या खैप खोप खप खोप खैप खॉप खप खोप इट्स अ रियली फनी राइट ऐसे करके मैं मैं आपको मिनिमल पेयर्स को कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि आप देखते होंगे बी आई टी सी एच क्या पढ़ते हो उसको बिच वेरी नाइस बिच अब वैसे बी ई सी एच इसको क्या पढ़ोगे बीच बीच बिच बिच बीच बिच बीच बिच बीच बिच बीच राइट ऐसे ही करके आप एल ओ सी के क्या पढ़ेंगे लॉक ऑ साउंड लॉक एल यू सी के को क्या पढ़ोगे लख लख लॉक लख लॉक लख लक लॉक अंडरस्टूर ऐसे करके और भी वर्ड ले लो जैसे कि आ... बी ए टी बैट बी ई टी बैट अभी दोनों में देख लो ए और ए साउंड का डिफरेंस आ रहा है बैट 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 एक और मिनिमल पेयर लेते हैं सेड और सैड का सेड सैड सेड सैड आई थिंक यू वन स्टूड एवरी थिंग नाउ इट्स ट्राइन टू फाइंड आउट मोर मिनिमल फेयर्स एंड प्रैक्टिस दोज मिनिमल फेयर्स थैंक यू वेरी मच Reading a book aloud can help you improve your English pronunciation what you have to do is you have to take a book and then place it in front of your face and then start reading as you are delivering right don't read, read like a robot like I started teaching classes in public speaking in 1912 I started teaching classes in public speaking in 1912 the year Titanic went down in the icy waters of North Atlantic. Since then, more than seven hundred and fifty thousand people have been graduated from these classes. In the demonstration meetings preceding the first session of the Dale Carnegie course. American Hindi. It sounds very funny, but it's very working formula. What you gotta do is you gotta speak like American people. How do they speak Hindi language? They speak Kya as क्या कौन मीन्स कौन करता बिकम्स खरता तुम बिकम्स थम लेट्स स्पीक समथिंग तुम क्या कर रहे हो हे hey, तुम क्या कर रहे हो क्या तुम्हें नहीं पाटा है मैं कौन हूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ आज हम पार्टी करेंगे यहाँ पर सवीरात पार्टी करने वाले है क्या आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक करना नहीं भूलना अगर आप लाइक करते हो तो हमें साहस मिलता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक कमेंट लिखना ना फॉर so like right? चाय, चाय. चाय दे विल से दो छाई दे दो, दो। मामी जी मुझे छाई दे दो सर so, थोड़ा फनी तरीके से आपको बोलने की कोशिश करनी है राइट right? कुछ भी बोल रहे हो आज मैं मार्केट जा रहा हूँ वहाँ से मुझे पानी पूरी खाना है अगर मैं पानी पूरी नहीं खाऊँगा तो मुझे माँ ही आएगा राइट right? कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सो so, आयद आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और इंप्रूव करते रहें थैंक यू